आप लोगों का ध्यान ब्लैकबोर्ड पर रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 3 अंकों का गुना का शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। यह जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वह सभी 3 अंकों की संख्याओं पर लागू नहीं होगा, वैसे संख्या पर लागू होगा जिसमें बीच वाला अंक 0 हो, जैसे 506, 607। यहाँ पर देखें, इस संख्या में बीच वाला अंक 0 है, इसमें भी बीच वाला अंक 0 है, यहाँ भी बीच वाला अंक 0 है, और इसमें भी बीच वाला अंक 0 है। इसे आप लोग कैसे बनाएंगे शॉर्टकट? यदि आप लोग इस गुना को बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2-3 मिनट तो जरूर लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएगा। लेकिन जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसके अनुसार कुछ ही सेकेंड में बन जाएगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 6 और 7 में गुना करना होगा। 6 × 7 = 42, 5 और 6 को गुना करना होगा, 5 × 6 = 30। इसके बाद 7 को 5 से गुना करना है, 7 × 5 = 35, और यहां लिख देना है 6 × 6 = 36, यहां लिखना है, और इन दोनों को जोड़ देना है। 35 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 × 2 = 70, और 1 = 71, 71 को बीच में लिख देना है, बस गुना फिनिश, गुना बन गया। कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा, कुछ सेकेंड में बन जाएगा। ये मैं बतला रहा था, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। आप सीख जाओगे तो इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, फिर ऐसे गुना करना है, फिर ऐसे गुना करना है, फिर जोड़ देना है, बीच में लिख देना है, हो गया है कि नहीं। एक और गुना मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसे भी देखें। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों अंकों को गुना करना है, 8 × 4 = 32। इसके बाद ये दोनों अंक को गुना करना है, 5 × 3। इसके बाद 4 और 3 को गुना करना है, 4 × 3 = 12। 5 और 8 को गुना करना है, 5 × 8। इन दोनों को जोड़ना है, 40 और 12 कितना होगा, 52। बीच में लिख देना है, गुना फिनिश।